हर हर महादेव। सो हे गाइस, हम जा रहे हैं नासिक, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, जो कि है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। और मैं बहुत टाइम से एक्साइटेड थी इस मंदिर जाने के लिए, बिकॉज मैं हूँ बाबा की बहुत बड़ी भक्त और मेरा बहुत मन कर रहा था कि एक बार जाऊँ, एक बार, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुंबई में रहते हैं तो यहाँ से काफ़ी नज़दीक है और हमारा अभी तक बन नहीं पा रहा था, बट अभी हमारी मम्मी आई हुई हैं तो इस बहाने हमने सोचा कि चलो चल के दर्शन कर लेते हैं, वरना फिर नहीं हो पाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं और आपको एक एक चीज़ हम कवर करके दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसे घूम सकते हैं और कौन कौन से कन्वीनियंस ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं वहाँ पे घूमने के लिए। एंड लेट्स गो। हम करते हुए जा रहे हैं बहुत मज़े और जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं और मम्मी भी बहुत बोल रही हैं, बट जैसे ही वीडियो ऑन होता है उनकी बोलती हो जाती है बंद, बट अभी मम्मी को बोलना पड़ेगा हर हर महादेव, हर महादेव। और हमारे साथ साथ ये ट्रेन भी नासिक जा रही है, आई गेस। सो गुड मॉर्निंग, हम आ गए हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। कल रात में आने में हमें बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, 1:30 बज गया था, तो हमने चेक इन कर लिया और हम आते ही सो गए। अभी हम सुबह उठे हैं और मैंने पहनी है साड़ी, ये मेरा ट्रेडिशनल लुक है आज के लिए मंदिर दर्शन के लिए स्पेशली। और हम जा रहे हैं बाबा के दरबार उनसे आशीर्वाद लेने के लिए और आपसे वहीं पे मिलते हैं। वो रही हमारी गाड़ी। अभी हो रहा है 11:50 और इतनी लंबी लाइन है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आई गेस 1.5 घंटा तो हमें लगेगा और हम बाहर से निकल के आपको बताएंगे कि कितना टाइम लग गया है यहाँ पे। ये मैंने रास्ते से चूड़ियाँ खरीदी थी क्योंकि मैं चूड़ी पहन के आना भूल गई थी, मुझे लगता है कि थोड़ा चूड़ी वूड़ी पहन के मंदिर जाना चाहिए एज आई एम मैरिड, तो ये चूड़ियाँ भी मैं पहनने जा रही हूँ। अब बज गए हैं 12:55 और अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा हो चुका है हम लोग को, बट अभी भी काफ़ी दूर है मंदिर। तो मंदिर के दर्शन करके आ गए थे लगभग 1.5 घंटा पहले और हमने आके रूम में रेस्ट किया, एज हम लोगों को मंदिर में लगभग 4 घंटे लग गए थे, काफ़ी थक गए थे हम, क्योंकि उसी ड्यूरेशन में मंदिर में महाआरती भी चल रही थी, तो हम लोग काफ़ी लकी थे कि हम लोगों को आरती देखने को मिल गई और बहुत अच्छे दर्शन हुए। और अभी हम लोग जा रहे हैं तैयार होकर, ये हमारा होटल है और हमने चेंज किया, थोड़ी देर लेट गए और अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह घूमने के लिए। और ये खड़े हैं मेरे क्यूटी पाई। हम आ गए हैं घूम के, हम गए थे गंगा आरती देखने के लिए। अगर मेरे पास क्लिप्स होंगी, अगर मैं रिकॉर्ड करना नहीं भूली हूँ या मेरे हस्बैंड नहीं भूले हैं, तो विल डेफिनेटली ऐड दोज क्लिप्स। एंड दैट वाज मैजिकल, इट वाज मेस्मराइजिंग, मतलब मैंने ज़िंदगी में पहली बार गंगा आरती देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मेरा बहुत मन है कि मैं विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ आई गेस वहाँ पे भी होती है, बहुत टाइम से मन है कि मैं बनारस भी जाके वहाँ की गंगा आरती देखूँ एंड ऑल्सो हरिद्वार भी देखूँ। हरिद्वार हम गए हैं बहुत छोटे में, बट मैंने वहाँ की गंगा आरती मुझे शायद अटेंड करी होगी, याद नहीं है, बट अभी यहाँ की जो गंगा आरती हुई ना, दैट वाज अमेजिंग, मेस्मराइजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है हमारा होटल।
तो अभी हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में। अभी मेरे हस्बैंड को आप देख रहे हो, वो पढ़ गए हैं क्योंकि कह रहे हैं मुझे आधा घंटा रेस्ट करना है, उसके बाद ही मैं चलूंगा। बट आई वॉन्टेड कि हम लोग थोड़ा जल्दी निकल जाए बिकॉज ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है। तो अभी बस मैं अभी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर निकलते हैं।